रूहन सो वास्ते इश्क
प्राणनाथ वंदो सतगुरु चरण को करुण सुप्रेम प्रणाम अशुभ करण मंगल करण गणेश देव चंदना श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री मेराज सुना तेज कुमारी क्षमा युगल पल पल करूं श्री पान श्री पद्मावती परिधान से पधारे हमारे बीच पूज्यपाद श्री कृष्णदास जी महाराज श्री पद्मावती परिधान से पधारे मेरे विद्वत मंडल ट्रस्टीगण एवं सुंदर साथ आदरणीय पंडित जी पूज्यपाद श्री कृष्णदास जी सुनहरी मंत्री साहब भाई अमीचंद जी मंच पर पधारे मेरे और पूज्यगण आत्म संबंधी श्री राज्य महाराज ना लाडीला सुंदर साथ आज हम श्री प्राणनाथ जी महाराज की वो पापी जो बारह मन को भेजी थी उसको थोड़ा सा अपनी नजर में लेंगे जहां उन्होंने लिखा कि ये पापी मैं उन बारह मोमनों के वास्ते और या कोई धर्म के लिए जागने के लिए चाह करे या और जो बाद में आने वाले सुंदर साथ हैं उनके वास्ते लिखी है। अभी पूज्यपाद महाराज श्री जी ने फरमाया कि जिस जगह पे 1000 या 1200 परायण हुए कुछ न कुछ विघ्न हुआ तो हर जगह पर हम नहीं पहुंच पाते रहे। हाँ वाणी के हिसाब से ये स्पष्ट होता है कि जहां जहां भी कोई विघ्न होता है तो वहां राजीव राय की मेहर तो बराबर रहती है लेकिन कार्य करने वालों का अहम ही उनका विघ्न होता है क्योंकि वो कहा करते हैं ये कार्य मैं लेके बैठा हूं ये कार्य मैंने किया है और इसका प्रणेता मैं हूं मैंने ये सब कुछ किया है तो वो तुलसीदास जी से ही पूछ लेते जहां मैं है वहां तू नहीं और जहां तू है वहां मैं नहीं प्रेम गली अति सांकड़ी रामे दो नहीं जहां मैं होगी वहां विघ्न ही विघ्न होंगे और हमेशा जागनी अभियान का कोई भी कार्यक्रम होता है तो आप हमेशा पहले ये सुनते हैं और अब भी सुना कि जो कुछ भी कार्य होता है सबसे पहले हजूर अपने प्राणनाथ जी के चरण जब सबसे पहले 1985 में 1200 परायण रख दिल में मेरे प्राणनाथ जी ने जागने की वो चिंगारी लगाई तो आज बंगला जी में मैं जाके खड़ा हुआ छोली प्रसार और पुजारी जी को लिख के दिया कि आप राज्य के चरणों में खड़े रहते हो मेरी अर्जी कर दो कि प्राणनाथ बहुत सालों से यहां बैठे हो अब उठो और चल के रतनपुरी के आश्रम के सिंहासन पे विराजमान हो तो पाठ रखूंगा नहीं तो रही रखूंगा। पुजारी जी ने वो मेरी अर्जी बंगला साहब में की एक नारियल उठा के दिया और जा करके उनके उस नारियल को रख के आज भी वो नारियल सिंहासन में पूजा के स्थान पर रखा हुआ है तोड़ा नहीं गया और कितने कितने प्राकृतिक आघात भी होते रहे लेकिन एक सेकंड एक पल के अंदर हवा की माफक दूर होते रहे और वहां से ये जो जागनी अभियान का कार्य और वाणी का मंथन का कार्य
और वाणी क्या है, तो पता चला कि हकीकत में हम तो उल्टे रास्ते पे चले गए। और उसको अब मैं कहना नहीं चाहता। महाराज श्री जी ने खूब खूब खुलासा करके कह दिया, समय होता है। 1935 के अंदर वो समय था, चारों तरफ से जो है बवाल जब धर्म पर आते थे, उस समय अंग्रेज का राज था और उनका ये सदा नियम रहा, डिवाइड एंड रूल, बंटवारा करो राज करो। तो उन्होंने केवल भौतिकवाद के अंदर ही नहीं, धर्मों के अंदर भी फूट डाल डाल कर हिंदू धर्म के टुकड़े टुकड़े कर और उसके अंदर लड़ाइयां झगड़े धर्मों के आधार पर कराते रहे। तो उस समय हमारे धर्म के जितने भी विद्वत मंडल थे, अब एक आदमी कहां कहां, जहां देखो शास्त्रार्थ, नेपाल में शास्त्रार्थ, सहारनपुर में शास्त्रार्थ, जहां देखो शास्त्रार्थ। और बात क्या थी कि वाणी के अंदर जहां अब या तो दुनिया के सामने ये चीज जाहिर कर दी जाती कि भाई ठीक है, हिंदू जो है एक समाज है, मुसलमान एक जुदा समाज है, सिख एक जुदा समाज है और दूसरी समाजें भी जुदा जुदा हैं, लेकिन वो जहां भूले हुए हैं उनके वास्ते ही कलयुग में ब्रह्म मुनियों आत्माओं के आने का कारण तो उनकी अपनी इच्छा शेष थी। पार ब्रह्म जब आना था, पूर्ण ब्रह्म ने आना तो आत्माओं के लिए था, पर दुनिया के अंदर तो आना था। तो केवल आत्माओं के अगर काम करके वो चले जाते तो स्वामी जी ने कहा तो फिर मैं प्राणनाथ और अक्षति कैसे दुनिया को पता चलता कि मैं आया हूं। सांचे को सांचा किया, कौन सा भी बुजुर्ग अगर खाली परमधाम की आत्माओं को ही खेल दिखा के वापस प्राणनाथ जी कहते मैं ले गया तो मेरी कौन सी बात है। खाकी बुत कायम करूं तो हूं महामति बरहक, अगर ये जीव सृष्टि इनको धर्म के झगड़ों से, इनको जाति पाति के झगड़ों से, इनको नीच ऊंच के झगड़े से, इनको मान मर्यादाओं के झगड़े से निकालूं और एक रस करूं, तब दुनिया में जाहिर होगा कि कौन है जो परमात्मा सबका एक है। पर उस समय उन अग्रगणों ने, क्योंकि सुंदर सा जी ये स्वाभाविकता होता है, जो आदमी जिस धर्म की चरम सीमा में ज्यादा चला जाता है तो तारतम लेकर के भी बाहर नहीं आ सकता। जैसे क्षमा मांगूंगा पूज्य पंडित जी से, क्योंकि पंडित वर्ग या मुल्ला वर्ग एक ऐसा होता है कि वो 24 घंटे अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं। आज भी पंडित जी यही सदा कहते हैं, हम बिहार में हैं, हिंदू हैं, हमें हिंदुओं के सामने जाना है। ये मुसीबत थी उस समय, क्योंकि उस समय कोई भी सुंदर साथ इतनी योग्यता नहीं रखता था। कारण था क्योंकि सुंदर साथ के पास वाणी थी नहीं, और जो कुछ अग्रगण महाराज श्री या पंडित लोग कहते थे तो उसी को हम अनुसरण करते रहे। अब गिने चुने समाज के 8-10 पंडित और चारों तरफ से अगर शास्त्र 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 हो तो वो ना सोचते होंगे उस समय कि ये काहे की मुसीबत गले डाल रखी है, कहां हर समय शास्त्रार्थों के में भागते पड़े, तो ये कौन सी ऐसी मुसीबत है जिसके लिए हमें शास्त्रार्थ करना पड़ता है, तो उसे झंझट को ही निकाल दो। तो ये कारण। तो उन्होंने कहा कि निजानंद संप्रदाय, और यदि ये चीज आगे करेंगे तो झंझट ही झंझट आएगा, और प्राणनाथ जी के नाम को थोड़े दिनों के लिए ढक के रख देंगे तो फिर वाणी का कुछ मतलब नहीं होगा। इसलिए हिंदुओं के वास्ते कृष्ण प्रणामी और भागवत खरी है, बस उससे ये प्रचार प्रसार हो गया। उन्होंने निजी मुसीबतों से बचने के लिए शायद लालदास जी को याद उस समय कर लिया होता तो सुंदर साहब जी अगर उस समय ये बात जाहिर हो जाती तो नाटक आगे चलता। बोलो 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 बोलो, नहीं ना चलता। ये मत सोचो कि वो विद्वान नहीं थे, ये मत सोचो कि इनको वाणी नहीं आती थी, और ये भी ना कहो कि वो डरपोक थे। अगर डरपोक होते तो नेपाल में जाकर के विजय प्राप्ति करके ना आते। पर नाटक का रोल ऐसे था कि अभी रात रखी कछु खेच के तो कुछ ना कुछ तो बीच में
ऐसा बैकग्राउंड बनाना था, ये उनका अपना है। इसलिए सुंदर साहब जी ब्रह्म आत्माओं में स्वामी जी ने कहा कि दुनिया के अंदर जीव है, ईश्वरी है, उनके अंदर ही मनुष्य तन के अंदर ब्रह्म आत्माएं होंगी। यही बात शंकर भगवान जी से उमा ने पूछी थी कि ऐ प्रभु जब वो आत्मा आएंगी तो आप कहते हो मनुष्य तन में आएंगी तो कैसे पता चलेगा? उन्होंने कहा उनकी एक पहचान कि दुनिया क्या वो हिंदू है या मुसलमान है, जब जब उनको माया के लपेड़े पड़ते हैं और चारों तरफ से जो उनको थप्पड़ पड़ते हैं, बरादरी से, खानदान से, लोकलाय से, मर्यादा से, स्वदेश से, देश से, वो लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए धर्म बेचते हैं, ईमान बेचते हैं, खुदा छोड़ देते हैं और जहां इज्जत खड़ी होती है वहां चले जाते हैं। लेकिन परम धाम की आत्माएं ये नहीं करेंगी, वो क्या करेंगी? मर सकते हैं, मरना है ना, हर एक को पता है, फिर मरने से डरना क्या है? या तो इतने जो बैठे हैं सुंदर साहब, कोई एक दिन खड़े होके कह देगी मुझे नहीं मरना, फिर जब मरना ही है तो रोज रोज काहे का मरना, एक बार ऐसा मरना मर जाओ कि दोबारा फिर कभी मरना पड़े ही नहीं, झंझट खत्म हो जाए। तो वो मरने से कब बच सकते हैं? जब उसको पहचाने कि जो हमको मरने और जन्म देने से बचाए। और वो ग्रंथों को उठा लो, वो एक अक्षरा तीर्थ है। सुंदर साथ जी आज पूज्य महाराज श्री जी ने कहा जागनी अभियान आगे बढ़ रहा है ना, गलत बात है, क्षमा चाहूंगा, मेरा प्राणनाथ आगे बढ़ रहा है। स्वामी जी ने चिट्ठी लिखी थी, मोमनो तुमने बहुत बड़ा कार्य करके दिखाया, उस मर्यादा को तुमने तोड़ा है जिस मर्यादा ने सारे विराट को बांध रखा था, औरंगजेब के दरबार में, और जाकर के ये कहना कुरान हमारा है, जरा इस बुद्धि के चक्कर आने लगते हैं कैसा वो समय होगा। जहां कोई हिंदू यदि अपनी जुबान से अल्लाह या कुरान या मोहम्मद का नाम ले ले तो विधान क्या था? गर्दन काट दो। ऐसे में वो सुंदर साथ जाके कहते हैं काजी अगर ये तेरा कुरान है तो बता तेरे अल्लाह और मोहम्मद ने कहां लिखा है कि जो मोहम्मद अल्लाह पर यकीन लाए उसकी खलड़ी उतार, बता तेरा कुरान क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट का जज शेख इस्लाम की बोलती बंद लाल दास जी ने कर दी। दूसरी बार प्रश्न किया कि अगर तू मुसलमान है तो बताओ फिर इन्ना इंजुलना की सूरत का अर्थ क्या होता है, कहां से लाता है? फिर बताया अगर ये कुरान तेरा है तो बता तेरे कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला पार ब्रह्म दुनिया में आएंगे तो 6 दिन रहेंगे, वो 6 दिन कौन से? एक भी सवाल का जवाब नहीं। हिंदुओं के पास गए तो आप स्वामी जी हरिद्वार में पहुंचे तो उनको जाके क्या कहा? महाराज मैं आपको गुरु बनाने आया हूं, आपके धर्म को हम धारण करने के लिए आए हैं, हमें अनुयायी बनाओ, हमें चेला बनाओ, हम तुम्हें गुरु बनाने आए थे। और गुरु इसलिए बनाया जाता है कि जो हमको जन्म मरण से छुड़ा के भवसागर से। सुंदर साजी भी तक आपने सुनी, 4 संप्रदाय सनातन धर्म की, वैकुंठ से आगे किसी के पास रास्ता नहीं, और सन्यास मत की संप्रदाय आत्म तत्व के ज्ञान को लेकर के केवल शरीर पिंड पालने के ऊपर ही लगे, उसके बाद वेद और शास्त्रों के 4 सूत्र जो परम धाम के अखंड रहे उन्होंने मिथ्या जगत के अंदर कण कण में रखा। कोई भी स्वामी जी के इस प्रश्न का उत्तर ना दे सका कि मेरा जीव भाव से कैसे पार होगा। सुंदर साहब जी और फिर पाती में क्या कहा ध्यान के साथ, ना मुल्ला जवाब दे सके और ना हिंदू जवाब दे सके। आज ये वही वाणी है, उस वाणी को हमने जब लुप्त कर दिया तो निजानंद संप्रदाय लुप्त हो गई और प्राण नाथ लुप्त हो गए। अब ध्यान के साथ जागनी अभियान के सारे सदस्य वर्कर और अग्रगण सुन ले, साहेब तेरी, अगर वो नहीं उन्होंने सुना फिर आवाज को सुने, साहिब तेरी, साहिबी भारी, तुझ बिन कौन उठावे।
अक्षातीत की सहेली और उसका काम तो वो ही उठाए जो अक्षातीत से आगे बढ़ा बनाओ। ना 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 ना, ये भूल करके ना कहना कि जागनीय अभियान कुछ कर रहा है। नहीं समझे? नहीं समझ आई अभी? कौन कर रहा है? कोई साहेब कर रहा है, जागनी अभियान को आगे ओट में दे रखा है। नहीं समझे? प्रॉम्प्टिंग होती है ना, नाटक करने वाले ड्रामा आगे करते हैं और प्रॉम्प्टिंग करने वाला पीछे से बोलता है और दुनिया क्या समझती है, अरे बड़ा फाइन नाटक हो रहा है। ये जो जागनी अभियान के सदस्य है ना, ये नाटक कलाकार है, नाच रहे हैं। कठपुतली करे भी तो क्या, डोरी तो मूल। बोलो, हम कठपुतलियां हैं, नचाने वाला मेरा प्राणनाथ है। इसलिए जागनी अभियान वाले जरा कहीं इतनी शोभा, इतनी शान, मंत्री महोदय जी के आशीर्वाद और ये सबको सोचना बैठेंगे। अगर आ आ हुई तो खड्डे में वाह वाह हो जाएगी। ये ना भूल जाना, नचाने वाला कोई और है, डोरी किसी और के हाथ में है। यही तो ड्रामा है। नहीं समझे? नाटक क्या है? जिस वक्त वो आ जाएगा तो ये नहीं होगा। नहीं समझे? जिस समय वो आ जाएगा सामने तो ये नहीं होगा। जब तक ये है वो प्रॉम्प्टिंग कर रहा है, इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। इसलिए सुन लो साथ, स्वामी जी ने क्या कहा कि ऐ बारह मोमिनो, जो राम भगवान काम नहीं कर सके, जो देवी देवता नहीं कर सके, उस लोक लाज को तुमने मिटा के रखा है। राम भगवान भी लोक लाज मर्यादा के अंदर ही मर्यादा पुरुषोत्तम रह गए, मर्यादा को तोड़ नहीं सके, तुमने तोड़ के दिखाई है। लेकिन क्या करना, लेना धनी की ओट, बस। सुंदर साचरी, ये जो बात अब जाहिर हो रही है, जागनी अभियान नहीं कर रहा। जिसने नाटक को बढ़ाने के लिए, देखो रोज पिक्चरें टीवी पे देखते हो, हीरो और हीरोइन का आपस में प्यार लव हो जाता है। अगर बीच में कोई ट्रेजेडी ना डाले तो पिक्चर 3 घंटे चलेगी। बोलो 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 बोलो। अगर प्यार हुआ और लव हो गया तो चल भी मेरी बिलावट, चल घर चल, पिक्चर खत्म। नहीं समझाई? वो तो 11 दिन की पिक्चर थी, खत्म हो गई। ब्रिज में क्यों पिक्चर खत्म हो गई? 11 दिन में फुस हो गया काम, क्योंकि आगे बढ़ा ही नहीं काम। अब स्वयं उन्होंने सोचा कि अब भी वही बात हो गई कि मैं अभी इनको जल्दी 1 मिनट में बता दूं कि तुम मेरी बिलवट हो, मैं तुम्हारा लवर हूं, तो बस निर्माण खत्म। फिर तो चलोगा, फिर क्या होगा? फिर कहेंगे और खेल बनाओ, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। इसलिए एक सीन की पिक्चर को डायरेक्टर लोग क्या करते हैं, 3 घंटे की पिक्चर बना देते हैं, बीच में ट्रेजेडी डाल देते हैं, हीरो हीरोइन को लेगा या कोई चोर उठा गया या उनमें विघ्न पड़ गए, अब चला महाराज हीरो ढूंढने, कहीं मार पड़ी, कहीं हड्डियां टूट रही, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। उनकी हीरोइन गुम कर दी, खो दी, ऐसे कहते हैं कि भूल गए। हम नहीं भूले? नहीं समझे? हम नहीं भूले, हमको भुलाया गया। ऐसे ही कह रहे हैं जी, जागनी नहीं होती, जागनी होती। अगर राजी चाहे मैं फरामोशी का पर्दा हटा दूं तो किसी से ताकत लेनी पड़ेगी उनको? हैं? खुद धीरे धीरे जगावत और उपत करत बहुतक, शोर हल्ला गुला बहुत मचा रहे हैं, वो जान के जगाते नहीं, चरणों में बैठे हैं, सुरता यहां डाल रखी है, हुक्म को ऊपर खड़ा कर रखा है। आज इंद्राति जी कहती हूं राज्य महाराज, ये जो हुक्म, जिसको आपने हुक्म दिया था कि खेल बना, उसने बनाया, तो क्या आज उस हुक्म को आप हुक्म दें कि इसको मिटा, तो क्या उसके लिए देर लगेगी? असराफील तो बेचारा कमर टेढ़ी, आगे क्या मतलब में चल के लिखा है, असराफील तो कुमर कुबड़ी अपनी टेढ़ी कमर करके कान लगा के खड़ा है कि हुक्म दें और मैं दूसरा सुर फूंकूं। तो सुंदर साथी जी, ये चीज ध्यान में लेके जाना। यदि छठे दिन में
अब करान करने वाला श्री राज्य महाराज स्वयं प्राणनाथ है, लेकिन कराएगा किससे? बोलो छठा दिन, बोलो, अरे बोल तो दो, छठा दिन कराएगा वो, लेकिन करना अपन को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सुंदर साहब जी, बहकाने वालों के चक्रों में ना फड़ो, ये इतिहास बदला नहीं जा रहा, इतिहास को ज्यों का त्यों रखा जा रहा है। कई बार क्या होता है, जो नालायक स्टूडेंट होते ना, किताब खरीदी अलमारी में रख दी, 10 महीने के बाद जब फाइनल पेपर आए, किताब उठाने जाएगा तो क्या होगा, ऊपर ढका हुआ गर्दा होगा ना, अब उसको साफ किया जा रहा है और कुछ नहीं। ये मत सोचो कि जागनी अभियान कोई नाम बदल रहा है, भूल नहीं जाना, अगर ऐसी बात है तो आज कम से कम 7-8 हजार सुंदर साथ की संख्या नजर में आ रही है, हो सकता है 1000 कामों को मैं गिनती तो गिननी रहा भाई। हाँ, कल के पत्रकार ने पेपर में 10,000 लिखा था, तो पत्रकार तो जरा थोड़ा सा बड़ा आके कर ही देते हैं, इसलिए मैं कुछ कम गिना हूं कि लगभग 7-8 हजार 6,000 संख्या होगी, इतना तो लगता है, क्योंकि हमारा राशन हमको बता देता है कि कितने सुंदर साहब ने भोजन किया है, हम वहां से संख्या गिनते हैं, क्योंकि हमेशा भंडारे होते रहते हैं। ध्यान दीजिए, आज आप सबके सामने एक प्रश्न करता हूं। आज हमारे हिंदू धर्म के अंदर हजारों प्रकार के मंदिर हैं, जहां राम भगवान की मूर्ति होगी उस मंदिर का नाम रामन मंदिर हो सकता है? बोलो, जवाब ढूंढ लूंगा वो तभी आगे चलूंगा, क्योंकि गिरधर साहब ने हुक्म दिया है जी, आज प्यार 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 ही प्यार दे दीजिए, चलो प्यार लो भाई। फिर उन्होंने कहा जी, हम आपका दिल दुखाते हैं, अगर आप दिल नहीं दुखाओगे तो प्यार मिलेगा ही नहीं, वो समझे कुछ, अगर दिल नहीं दुखाओगे तो प्यार कहां से मिलेगा, जितना दिल दुखाओगे उतना प्यार मिलेगा, दुखाना बंद करोगे प्यार बंद। कहेंगे जी ये कैसे, एक राजा था ना, घोड़ा लेके शिकार करने गया, दोपहर का समय हो गया, घोड़ा मुलायम था, क्यों राजा का घोड़ा है, बाजारी घोड़ा तो था नहीं, 12 बजे तक जब दौड़ता घूमता रहा, प्यास लगी, अब आया कुएं के ऊपर, राजा ने कहा अभी इसको पानी पिला लें, तो जानते हो पहले वो ऐसा कुआं होता था जिसके आगे बैल चलते थे और कुएं के ऊपर लोटे थे, नीचे से पानी लाते थे, और नहीं, हाँ रैंक रैंक पे, क्षमा करना गुजराती सुंदर सर, राहट राहट या रैंक जैसे भी समझ लो, उस पर भाई बैठा रहता है, बैल आगे चलते हैं, तो एक लकड़ी होती है जो उसके वजन को थामती है, और आवाज क्या आती है, ठक 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 ठक, पानी निकलता रहता है। अब राजा के घोड़े का तो स्वभाव भी था राजे जैसे ही था, अब जैसे उसको आगे करे पानी पीने के लिए, पीछे से आवाज क्या आए, ठक, तो घोड़ा डर के पीछे हट जाए। अब राजा क्या कहता है, ओए कम वक्त बैल चलाने वाले, बंद कर ठक ठक। वो हंस पड़ा, कहने लगे राजा साहब ये ठक ठक बंद हो जाएगी तो पानी बंद हो जाएगा, क्या पिलाओगे घोड़े को, अगर ठक ठक में तेरा घोड़ा पानी पीता है तो पिला ले, नहीं तो पानी मिलना, इसलिए गिरधर साहब दिल दुखाते रहोगे, ठक ठक होती रहेगी तो पानी प्यार का आता रहेगा, ठक ठक बंद कर देना पानी बंद। आ जाओ जरा उसी विषय पे, प्रश्न किया था, राम कहीं मंदिर है और उसमें भगवान राम की मूर्ति है, तो भाई बोलो इतना गुजरात और सौराष्ट्र पंजाब हरियाणा दिल्ली सारा देश का छोटा रू बैठा है, उस मंदिर का नाम क्या होता है, बोलो, आपको नहीं पता तो आजू बाजू में पूछ लो क्या नाम होता है, इतना मुझे क्या पता कि क्या होता है, इतने सुंदर था, यही राम राम हो रही है, राम राम नहीं, बोलो उस मंदिर का नाम क्या होता है, राम मंदिर, और जहां हनुमान जी की मूर्ति है, बोलो, अरे कोई मिसमरिज्म नहीं हो रहा, मुझे बता दो, कई सुंदर साहब कहेंगे महाराज तो बैठ के ड्रामा करने लग गया, नहीं, आपकी भूल सुधारने के लिए विषय शुरू किया है, क्योंकि आप जब यहां से जाओगे आपके ईमान छीनने वाले वो भी बताता हूं बड़े खड़े होंगे,
क्यों? भूचाल आ रहा है, भूकंप आ रहा है, कईयों कईयों के नीचे पड़ी हुई गद्दियों को, कि क्या हो रहा है, कितनी संख्या है, जल्दी बताओ कैसा कार्य हो रहा है, और रोटी भी नहीं खा रहे। हाय क्या हो गया। अब बताइए, जहां पर मुनारे हैं और कुरान रखा है उसको क्या बोलोगे, मस्जिद के गुरुद्वारा बोलो। अब ये बताओ कि देश भर के हमारे मंदिरों में सिंहासन पे स्वरूप साहब है कुछ और बोलो, सुनना था जोर से बोलो, तो स्वरूप साहब किसका है, प्राणनाथ जी का कि किसी और का? तो उस मंदिर का नाम जहां सिंहासन है और प्राणनाथ जी के स्वरूप साहब विराजमान हैं, उस मंदिर का नाम क्या होना चाहिए, खोल के बोलिए। तो अपने मंदिरों के जाकर अगर तुम सच्चे प्राणनाथ जी के अनुयायी हो तो प्रतिज्ञा करो, जाते ही उन बोर्डों को तुम अपने हाथों से बदलोगे और लिखोगे प्राणनाथ जी मंदिर। जिनको ये स्वीकार है जयकारे लगाओ और कहो कि हमारे मंदिर का नाम प्राणनाथ मंदिर होगा। बोलो होगा, बोलो होगा, बोलो फिर होगा। अपने मंदिरों के बोर्ड बदल दो, प्राणनाथ जी को जाहिर कर दो। घबराना नहीं, हिंदू भी आएंगे, मुसलमान भी आएंगे। हिंदुओं के ग्रंथों में लिखा है कि आखिर को विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार प्राणनाथ आएगा। कहोगे जी हैं? हाँ, गुलजारी लाल जी ने एक किताब छापी, बहुत साल हो गए, अवतारों में अवतार बुद्ध निष्कलंक अवतार, और उसमें लिखा है श्लोकों के साथ ग्रंथों के प्रमाण दे रखे कि पार ब्रह्म जब दुनिया में बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में जाहिर होंगे तो वो प्राणनाथ के रूप में जाहिर होंगे। यहां तक प्रमाण है। और वही बात कुरान में है कि इमाम मेहंदी अल्लाह ताला सुंदर साथ जी, घबराओ नहीं, चिंता मत करो, जो चीज शास्त्रों में क्षर अक्षर अक्षरातीत कहा वही बात कुरान में है, दूसरी नहीं। केवल भेद भाषा के आए हुए, हम क्षर कहते हैं वो ला कहते हैं, हम अक्षर कहते हैं वो इला कहते हैं, हम अक्षरातीत कहते हैं वो अल्लाह ताला कहते हैं। वही बात बाइबल के अंदर है, हम क्षर कहते हैं बाइबल वाले गॉड कहते हैं। जो हमारे बच्चे आज पढ़ के बाइगाट मैंने तो नहीं तौलिया लिया, बाइगाट मैंने ये तो नहीं किया, अर्थ का पता ही नहीं। जिसको हम लोग परमात्मा दुनिया वाले यहां कहते हैं ब्रह्मा विष्णु, उसी को बाइबल वाले गॉड कहते हैं। जी फॉर जनरेटर ब्रह्मा पैदा करने वाला, ओ फॉर ऑपरेटर पालन पोषण करने वाले लक्ष्मी महाराज और विष्णु जी, और डिस्ट्रॉयर महादेव जी, ये गॉड। क्षर पुरुष को गॉड कहते हैं और अक्षर को क्रिएटर कहते हैं और अक्षातीत को सुप्रीम ट्रुथ गॉड कहते हैं। सिर्फ दम होना चाहिए हम सुंदर साथ में, और ये दम कहां से मिलेगा, वाणी से। ये दम कहां से मिलेगा, वाणी से मिलेगा सुंदर साथ जी, वाणी के अंदर। इसीलिए हर ग्रंथों का सार है। अंजील का रस स्वामी जी ने अब दिया नाम वही रखा, ताकि ईसाइयों को हम बता दें, क्रिश्चियनों को बता दें कि वो अंजील निराकार की है, हकीकत की अंजील वाणी रास हमारी है, क्योंकि उनकी वाणी का सार क्या है, गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। उस पार ब्रह्म के लव की अखंड रास की लीला रास की राम तुम्हें कही है, अंजील के अंदर नहीं। हकीकत में अंजील ये है, और लिखा भी है तुरेत में, कि जब आखिर जमा इमाम मेहंदी सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट होगा तो इन ग्रंथों को वो नाम से बदल कर और इनके ज्ञान को बदलेगा, नाम यही रखेगा। अंजील का नाम अंजील ही है और जंबूर का नाम जंबूर है, लेकिन उनके लाने वाले ईसा मूसा और दाऊद हैं, और इनको लाने वाले खुद अक्षरा तीत हैं और नाम वही। इसलिए चिंता ना करो, अंजील तुम्हारी मुट्ठी में है,
जमूर तुम्हारी मुट्ठी में है, तुरैत तुम्हारी मुट्ठी में है, सनंद कुरान का सारा सार तुम्हारी मुट्ठी में है। लेकिन क्योंकि आज दिन तक हमने वाणी को मथन, बोलो ये कमजोरी है, इस कारण से हम हर जगह डरते रहे और मार खाते रहे। अब सुंदर साथ जी ज्यादा कुछ नहीं कहना क्योंकि समय हो रहा है। यदि सच्चे दिल से हम सब ने वाणी को समझा है, कहा कहीं नहीं, देखा देखी नहीं, और सुध आई है कि हमारी संप्रदा का नाम निदा नंद है, तो हम क्या हुए, बोलो निदा नंदी। आज से प्रण प्रतिज्ञा करके जाओ, और ये बता देता हूं एक बार बस यही बात कह के समाप्त करूंगा क्योंकि कोई प्रवचन की बात नहीं थी, मेरे गिरधर साहब का आदेश मैं नहीं मोड़ सकता, मेरी ताकत नहीं बढ़ती उनके कभी भी आज्ञा को इधर उधर करूं। उन्होंने कहा जी आप प्यार से ही बातें आज कर दिए तो प्यार से लीजिए। एक पंडित जी थे, गए पारायण करके आ रहे थे, बेचारा यजमान जो था, समय ऐसा था नकद कुछ ना दे सका। ध्यान देना जरा, कहानी नहीं बता रहा, आपको कुछ कह रहा। तो उसने कहा पंडित जी महाराज आज नकद तो नहीं है, मेरे पास बकरी है और यही ले जाओ, बच्चों को 6 महीने तक साल तक दूध पिलाएगी, फिर कभी कुछ होगा और सेवा करूंगा। तो पंडित जी ने सोचा भी ये तो रोज का प्रसंग है, चलो बकरी ले चलते हैं और दूध पिया करेंगे, और नहीं होगा तो बेच देंगे, पैसा ले लेंगे, लेके चल। अब आपके पीछे लगेंगे गुजरात के 4 डाकू, सावधान होना, समझना खुद कहूंगा कुछ नहीं। उन्होंने सारी रात प्रयास किया चोरी करने का, कहीं मिला नहीं, तो देखा कि पंडित जी बकरी लेके आ रहे हैं, चारों इकट्ठे हो गए, कहने लगे अगर खाली हाथ जाएंगे तो घर क्या शक्ल दिखाएंगे, आज पंडित जी की बकरी छीनो। पर पंडित जी भी नहीं करना, पगे भी लागना है और बकरी भी छीन लेनी है, चारों ने योजना बना ली। ध्यान दो, चारों जने योजना बना के पंडित जी के मार्ग में रास्ते में एक एक झाड़ के बीच में छुप के बैठ गए। पंडित जी बकरी लेके जब आगे बढ़े तो पहले झाड़ में से एक चोर निकला, पंडित जी महाराज पाय लागन पाय लागन पाय लागना जियो 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 सुखी रहो सुखी। बड़ी हैरानी से देखा, कहने के पंडित जी महाराज सत्यानाश पंडितों के रात के समय में कुत्ते के गले में सांकल डाल के जा, क्या बात है पंडित जी महाराज, होश तो है क्या, आज आपके यजमान ने कहीं खीर में भांग तो नहीं मिला दी, कुत्ते के ले जा रहे। पंडित हैरान हो गए, अरे पागल हो रहा है कुत्ता है, देख कुत्ते के कहीं थन होते दूध होते सींग होते, चल पागल कहीं का, पहली बार तो डट के जवाब दे दिया। कहने लगे अच्छा पंडित जी महाराज गोली के नशे में घूम रहे, जाओ गांव पता लग जाएगा। अब थोड़ा सा जब आगे गए तो दूसरे झाड़ में से भी एक चोर निकला, उसने भी उसी तरह कहने लगा पंडित जी महाराज कुत्ता, हरे राम पंडित लोग और कुत्ते को लेके जा रहे, सत्यानाश हो गया धर्म का, बस आज तो पंडित जी महाराज बिस्तर बोरी बांधो, हम गांव में शोर मचाएंगे कि पंडित कुत्ते लेके चल रहे हैं। पंडित जी कहने सोचने, अब क्या हो गया, सोच पड़ गया, ईमान गिरा कि नहीं, बोलो 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 गिरा कि नहीं, सोचने लगा कि अरे एक आदमी मिला था, उसने कहा था कुत्ता है, देख तो लू कहीं कुत्ता है तो नहीं, बकरी को देखने बैठ गया, ईमान डोल गया कि नहीं, बोलो बोलो बोलो। ए दूसरा मिला, ईमान डुला दिया, फिर देखा नहीं 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 थन है सींग है बेवकूफ कहीं का, चल आए। फिर जब तीसरे के पास गए, तीसरे आगे जा रहे, तीसरे झाड़ में से तीसरा चोर निकला, उसने भी जब ऐसा व्यवहार किया तो पंडित जी सोचने लगे, खाई तो रात को खीर थी, मालूम होता है खीर के अंदर उसने
भांग घोल खिलाई है, ये कुत्ता है, मुझे बकरी नजर आ रही है। चलो अपना कौन सा मोल लगा था, सांकल निकालो, बकरी छोड़ दो। नहीं सोचे, बकरी छोड़ दी। क्या लगा, चलो 3-4 रुपए की संकल बिक जाएगी, यही सही, अब चल तो सही। तो आगे आगे बढ़ा, जब चौथा डाकू मिला उसने प्रणाम किया और यही कहा, क्या लगे महाराज क्या बात है, हाथ में संकली है, क्या कोई माल चोरी करके लाए थे? नहीं समझे। चौथा डाकू जो मिला है, क्या लगा महाराज सच सच बताओ क्या चोरी करके लाए थे, नहीं तो अभी गांव में जाके कहूंगा पंडित ने भी रात हमारे साथ मिल करके चोरी की थी। कहने लगे भगवान मूर्खानंद, मैं तो बकरी लाया था, और वो कहने लगे कुत्ता है, कुत्ते वाली सांकल, कुत्ते वाली, और हाथ में पंडितों के। कहने लगे जा सत्यानाश हो जाएगा, तू सांकल भी लेगा। चारों ने सब कुछ छीन लिया कि नहीं, बोलो अब क्या होगा, तुम्हें भरमाया जाएगा। कहां लिखा है, कौन कहता है, यही दागनी बहन वाले तुम्हारा सत्यानाश कर रहे हैं, तुमको मुसलमान बना रहे हैं, तो मूर्ख हो गया क्या, कृष्ण हमारा प्रणामी मंदिर है। सुंदर साहब जी, कृष्ण मंदिर भी है, कहां, मथुरा वृंदावन, क्योंकि वहां हर मंदिर में कृष्ण और राधा जी की बोलो बोलो मूर्ति है, तो उस मंदिर का क्या नाम होगा, कृष्ण प्रणामी कहो या राधा कृष्ण कहो, एक ही बात है। इसलिए अब वो तुम्हारे क्या बहकाएंगे कि तुम्हारे हाथ में कुत्ता है। सोच समझ के पकड़ के जाओ, तुम्हारे हाथ में झूठ है कि तुम्हारे हाथ में सत्य है, बोलो। तो तुम आज से फिर प्रतिज्ञा करो और जयकारा लगाओ कि आज से हम निजानंदी हैं और हमारा धनी प्राण, बोलो आज से हम, ऐसे नहीं काम चलेगा। बेशक जो कृष्ण प्रणामी है वो ना बोले, राधे कृष्ण वाले हैं वो ना बोले, राम वाले हैं वो ना बोले, हमें कोई तकलीफ नहीं। हजारों धर्म संसार में है, आज से हम डिक्लेयर करते हैं कि कृष्ण प्रणामी भी एक धर्म है जो प्राणादि का अनुयायी है, क्योंकि उस कृष्ण प्रणामी धर्म की कोई संप्रदाय नहीं। अगर है तो आ जाएं, बताएं कि उनकी संप्रदाय कौन है कृष्ण प्रणामी की। ये संप्रदाय निजानंद है, कृष्ण प्रणामी की कोई संप्रदाय होगी तो वैकुंठ तक हो सकती है या गौलोक तक हो सकती है, और ऐसी संप्रदाय हिंदुओं के अंदर कोई है ही नहीं, ये झूठ की संकली बांध करके बना रखी थी। आज वो मालक जागृत हो गया, खुद कौन प्राण, इसलिए आज हम किसके अंग हैं, प्राण आदि के या किसी और के, श्यामा जी के अंग हैं या किसी और के, तो श्यामा जी ही निजानंद है कि नहीं, बोलो। तो हम निजानंदी हैं कि नहीं, प्रतिज्ञा लो राज जी के सामने कि आज से हम अपने आप को क्या कहेंगे कि हम निजा, हम निजा, हम निजा, और धनी हमारा प्राण, हमारे मंदिरों का नाम प्राण नाथ मंदिर होगा, हम अपने अपने मंदिरों के जाकर के बोलने को बदलेंगे और दुनिया को एक रस करें, हिंदू को, मुसलमान को, सिख और ईसाई को गले लगाएंगे, वाणी से समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे, क्योंकि कुरान मुसलमानों के लिए नहीं आया। सुंदर साहब जी, क्या कहा था राजी महाराज ने कि ऐ मेरी परम धाम की आत्माओं, जब तुम भूल जाओगी तो मैं तुम्हारे वास्ते किसको भेजूंगा, रसूल को, और रसूल के हाथ जो कुछ बातें कहूंगा वो परम, बोलो परम धाम की बातें होंगी। तो आज कुरान कौन लेके आया, खुद राजी महाराज लेके आए, इसीलिए चार बार आए तो चारों जातियों में आए। बोलो बोलो बोलो, आए थे अरब में, आए थे कि नहीं आए थे, ठीक, फिर देवचंद जी के तन में आए कि नहीं, फिर चौथी बार में राज ठाकुर के तन में आए कि नहीं आए पहले, और उसके बाद मुसलमानों के जब गए, हम मुसलमान कह रहे हैं, उनके तन के पिता का नाम क्या था, पंडित अब्दुल्ला, पंडित परिवार में आए, ब्राह्मणों के अंदर आए, उसके बाद देवचंद जी के तन में आए, तो
कौन सी थी? कायस्थ जाति थी, शूद्र जिसको कहते हैं। और उसके बाद महाराज ठाकुर के तन में आए तो क्षत्रिय तन में आए। बोलो चारों जातियां आ गई कि रह गई कुछ? बोलो अब किससे दुश्मनी करोगे? बोलो करो किसी की घृणा करोगे? इसलिए ये सब कुछ अब हमें वाणी का पता नहीं था, कभी मथन की नहीं थी, राजी को धोखा देते रहे कि ए सत्यवाणी। अब जब मथन की तो बोलो किस जाति को ठुकराओगे? वैश्य भी, शूद्र भी, ब्राह्मण भी, और चारों जो है जातियां, चारों वर्णों के अंदर राज्य ने लीला की, ताकि ना जाने किसी जाति के अंदर मेरी परम धाम की आत्म बैठी हो। तो और ये तो आत्माओं के लिए, फिर ये सारा ब्रह्मांड जो है राजी के अक्षर के हुक्म ने बनाया या किसी और ने? तो फिर वह जो है वो सबका एक है कि नहीं है? इसलिए सुंदर साथ चिंता ना करो, मुसलमान आएंगे तो उनको कुरान से, हिंदू आएंगे तो उनको गीता और भागवत के साथ किसकी पहचान कराएंगे? प्राणनाथ जी की। तब हम कहेंगे कि हम उनकी अंगना हैं। और ये शास्त्रों में लिखा है, क्यों? कुरान में लिखा है अल्लाह ताला अपनी उम्मत के लिए आएगा, अपनी बेगमात के वास्ते आएगा, अपनी बीवियों के वास्ते आएगा, ये कुरान में लिखा है। और वही शास्त्रों में लिखा है अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाय कलयुगे, ब्रह्म मुनि जो उनकी परमधाम की आत्मा है उनके लिए आएगा। खुल करके कहना हम प्राणनाथ जी की अंगना है, प्राणनाथ हमारे धाम के धनी है, हम निजा नंदी हैं, हमारे मंदिरों के नाम प्राणनाथ होंगे। अब हमें जब सूचना मिलेगी कि फलां फलां शहर के सुंदर साथ ने अपने मंदिरों के नाम प्राणनाथ लिखे, तब प्राणनाथ का बोर्ड लगाते साथ जागनी पत्रिका बड़ोदरा और धाम दर्शन कानपुर को लिख देना, तब हम समझेंगे कि इस शहर के सुंदर साथ ने इस अभियान को समझा और जो कसमें खाई, प्रतिज्ञाएं करी, उनको उन्होंने पूरा करके दिखाया है। बोलो श्री प्राणनाथ। सुंदर साथ जी बिछड़े हुए सुंदर साथ को गले लगाना है। संसार आज सारा दुखी है, मत सोचो कि भारतवर्ष, भारत से ज्यादा दुखी आज अमेरिका है। समय गया, अगर उनको धन से, पैसे से शांति होती तो आज वो हरे रामा और हरे कृष्णा के पुजारी ना बनते। सारे विश्व को पता चल गया है कि एटम बम और परमाणु बम नाशकारी हैं, ये पीस ऑफ माइंड शांति नहीं दे सकते। अगर कोई शांति सारे विश्व को दे सकता है सब झगड़ों से मिटा के, और सब कोई यदि अखंड कोई कर सकता है, हर रोज जो भय रहता है देश की अखंडता, भारत की अखंडता, ये सारे भयों को यदि कोई हटा सकता है तो केवल निजानंद संप्रदाय है, जो केवल एक भारत को नहीं सारे विश्व को एक अखंड रूप में, एक प्रेम के रूप में, एक प्रेम के स्रोत में बना सकता है, बांध सकता है। और वो प्रेम की धारा है केवल तारतम ज्ञान, और वो तभी जाहिर होगा जब हम अपने आप को वही रूप से बताएंगे जो स्वामी जी ने हमको बताया कि हमारे अनुयायी जो हैं, हमारी आत्मा जो है जब तक जगत में है और आगे भी है, तो हम अंग श्यामा जी के हैं और श्यामा जी निजानंद हैं, इसलिए हम निजा। एक बार कह दो फिर बंद कर दूंगा। हम कौन है? आधे वाले हैं, ये बहने नहीं है। चलो इनको कृष्ण बना मी रहने दे, इनको मथुरा वृंदावन भेजता हूं। क्या आप लोग क्यों नहीं बोलते भाई? अगर आप निजानंदी हो तुम भी बोलो, नहीं तो तुम्हें मथुरा के स्टेशन पे सबको उतार दूंगा, दिल्ली जाने नहीं देना। क्या मतलब? आपका मथुरा कहां है? योग माया में। आपका कृष्ण वही है, वही उतार दूंगा, आगे जाने नहीं देना। क्योंकि इस समय गार्ड और ड्राइवर दोनों बैठे, झंडी ला रेड कर दूंगा, उतार दो इनको, नहीं तो बोलो हम कौन है? हम निजा। फिर आधे उतर रहे हो, आधे को अच्छा चलो छोटे स्टेशन में उतार देंगे। सब मिलके बोलो
मेरे कहने से नहीं, अपने दिल से पूछ लो कि प्राणनाथ जी के दरबार में प्रतिज्ञा करके आए हैं। मेरे कहने पे ना बोलो, हम कौन है, हम कौन है, हम कौन है, हमारा धनी कौन है, हम मंदिरों के नाम क्या रखेंगे, प्राणनाथ मंदिर रखेंगे। जात जी पिया तुम हो